मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे कच्चे चने की सब्जी। आप देख सकते हैं ये छोटा वाला चना है जिसे काला चना भी कहते हैं और इसे हम नाश्ते में यूज करते हैं। तो आज हम इसकी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे और इसे हम कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने एक कप चना लिया है, मैंने रात भर के लिए इसे भिगा दिया था और ये चना हमारा अच्छे तरीके से फूल गया है। मैंने पानी इसके अंदर से निकाल दिया है और इसके अंदर डालने के लिए हमने लिया है आधा चम्मच जीरा, एक डंडी करी पत्ता का, 10 से 12 पत्ता करी पत्ता है, फ्रेश पत्ता है ये। एक प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और दो हरी मिर्च को भी मैंने बीच से कट कर लिया है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। रमास्क्यू की इंग्लिश रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। मिक्सर जार लेंगे और इसके अंदर चने को डाल देंगे। ये सारी चीजें इसके साथ इसमें डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक से दो चम्मच, बस आसानी से पीस जाए इतना ही हमें पानी डालना है। इसे पीस लेते हैं। तो ये दाल हमारी अच्छी तरीके से पीस चुकी है, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। तो बटर को मैंने निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बड़ा चम्मच करीब जो हमने चने को पीसा है इसको छोड़ दिया है इसके अंदर। इसे हम इसके अंदर रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है। तो इसी के साथ ही इसमें कुछ चीजें और हम पीसेंगे। एक टमाटर को मैंने बड़े टुकड़े में काट लिया है, बड़े साइज का टमाटर है, चार हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो लौंग, एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता, एक बड़ी साइज की प्याज, ये सारी चीजें एक साथ इसके अंदर हम डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे पानी 3 से 4 चम्मच जिससे आसानी से पीस जाए और इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो ये मसाला हमारा पीस चुका है तो इसे हम साइड में रखते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तो कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है, 4 चम्मच हमने सरसों का तेल लिया है। इसे अच्छी तरीके से पहले हम गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं तेल से धुआं उठने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा, आंच को हमने धीमा रखा है, हल्का सा ब्राउन करेंगे। 3 से 4 पिंच हींग डाल देंगे, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया का पाउडर डाल देंगे। आंच को हमने बिल्कुल धीमा रखा है। एक चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे डालेंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सब्जी में और तीखे के लिए तो मैंने हरी मिर्च डाला ही है। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे डाल देंगे। और इसके साथ ही इसमें ये जो हमने मसाला पीस करके डाला है इसे भी डाल देंगे। और इस जार के अंदर हमने एक छोटी कटोरी पानी डाल दिया है और इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसका पानी इसमें डाल देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आंच को हमने मीडियम रखा है तो इसमें हम उबाल आने देंगे और इधर दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो हमने जो बैटर तैयार करके रखा है, चने को पीस करके रखा है, इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच है इसके अंदर डाल देंगे। 3 से 4 पिंच हींग है, इसे डालेंगे, थोड़ी सी धनिया है ये डाल देंगे, पिसी हुई धनिया पाउडर है इसे डाल देंगे। आप फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर और कटा हुआ करी पत्ता एक डंडी इसे डाल देंगे, इसे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/4 चम्मच नमक हम मसाले में डालेंगे जिसकी हमें ग्रेवी बनानी है। मसाले के अंदर हम 1/6 चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे खटास के लिए, इसे मिला देंगे। और मसाला हमारा आप देख सकते हैं उबलने लगा है तो इसे हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये बैटर बना करके रखा है, एक हम प्लेट लेंगे और थोड़ा सा बीच में घी लगा देंगे, तेल कोई भी चीज लगा सकते हैं आप। लगाने के बाद इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक अच्छी तरीके से मिला लेंगे जो हमने ऊपर से डाला था और इसे प्लेट में डालेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेट में फैला लेंगे। आपको जितना मोटा रखना है पीस, इसकी पतली या मोटी पीस उस हिसाब से आप इसे फैला लें। तो मैंने प्लेट में इस बैटर को फैला लिया है। हम क्या करेंगे, इस कढ़ाई के ऊपर इसे हम रखेंगे
आपके पास इतनी बड़ी प्लेट नहीं है तो आप छोटी प्लेट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक कटोरी में पानी भरकर बीच में रख दें और छोटी प्लेट उसके ऊपर रखें और इस बैटर को उसके ऊपर रख लें। तो हमारे पास ये बड़ी प्लेट है जो इसके ऊपर इस तरीके से आसानी से रुक जाएगी, अंदर नहीं जाएगी, तो हम इसे रख लेंगे और इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे। आज को हमने स्लो मीडियम रखा है, 5 से 7 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। इससे क्या होगा, ये भी स्टीम हो जाएगा जो हमने रखा है चने की दाल को, और नीचे से मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुन जाएगा। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं चने दाल का जो मैंने बैटर रखा था काफी सूखा हो गया है, बिल्कुल टाइट हो गया है। इसके अंदर फोर्क डाल करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन निकल रहा है, इसके अंदर बिल्कुल बैटर नहीं चिपक रहा है, तो इसका मतलब ये स्टीम हो चुका है। तो इसे हम हटा लेते हैं। इधर मसाला भी हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम एक चीज और डालेंगे, तो हमने 1/2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, इसे हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी भून लेंगे। इसे 1 मिनट तक हम भूनेंगे क्योंकि मसाला हमारा पहले से ही भून चुका है, तो बस थोड़ा सा ही हमें इसे भूनना है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, हमने 1 गिलास पानी लिया है, 1/2 गिलास पानी और डालेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो जब तक मसाले में हमारे उबाल आ रहा है हम इसके पीसेस कर लेते हैं। ये हल्का सा ठंडा हो गया है, छोटा या बड़ा पीस आप अपनी पसंद से काट सकते हैं। जिस तरीके से हम ढोकला को काटते हैं, बनाते हैं ढोकला, उसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से उबल गई है और मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। इधर मैंने इसके पीसेस भी कर लिए हैं, इस तरीके से इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी पीस निकली है। तो चलिए इसे हम ग्रेवी में डाल लेते हैं। तो सारे पीसेस मैंने ग्रेवी में डाल दिए हैं, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आज को हमने मीडियम रखा है, इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे 5 मिनट तक हम पकने देंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं सब्जी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है, इसका कलर भी आप चेंज देख रहे होंगे, ये अच्छी तरीके से पक चुकी है। सब्जी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो हम एक पीस उठा करके देखेंगे और इसे कट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट रही है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम पीसेस बने हैं। तो इसे हम ग्रेवी में डालते हैं, ये सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं, गैस को बंद करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसे सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी लगती है देखने में भी, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। ऊपर से कटा हुआ करी पत्ता डाल देंगे, आप धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। और हमारी बहुत ही टेस्टी चने की सब्जी बन गई है। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, खाइए, आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपकी काले चने की सब्जी कैसी बनी,